हेलो गाइस, आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं अल्टीमेट एपिक बैटल सिमुलेटर, जिसके अंदर वॉर करवानी रहती है जैसे कि थैनोस वर्सेस आयरन मैन, पिकाचू वर्सेस थैनोस, तो वैसे ही वर्सेस कराना रहता है, जो मेरा फेवरेट है। तो आज के दिन पहले तो मैं जाता हूँ सैंडबॉक्स में, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन से आज हम लोग कौन से सुपर हीरोज एंड विलन्स को लाने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला है मॉडर्न सोल्जर, सेकंड वाला है थैनोस को कैसे मैं भूल सकता हूँ, थर्ड वाला है ड्रैगन, फोर्थ वाला है वेनम, और फिफ्थ वाला है जोकर, एंड अपना सिक्स्थ वाला है नाजी जॉम्बी, सेवन्थ वाला है बैटमैन, एंड एट्थ वाला है आयरन मैन। बहुत मजा आने वाली है आज की बैटल में। अगर आप लोगों ने इसकी पहली वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जाके देख लेना ये वीडियो के बाद, लाइक कर देना अगर आप लोगों को इसके और भी वीडियोस चाहिए। तो लेट्स गो, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बैटल, देखते हैं कि कौन जीतेगा। वैसे थैनोस को मैंने क्यों लाया, मतलब थैनोस से ओवर पावर कोई भी नहीं है, मतलब सारी वीडियोस में आप देख चुके हो ये गेम की, थैनोस मतलब बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, बट फिर भी हम लोग पहली बैटल के लिए उसको ले लेते हैं। ये रहे हमारे आयरन मैन, जोकर, और उधर पे कौन है, अच्छा ये तो जॉम्बीज है, ड्रैगन्स एंड हमारा वेनम, दोनों एक साथ क्यों है पता नहीं, आजू बाजू कोई और भी होना चाहिए। थैनोस किधर गया, नहीं थैनोस गया तो गया किधर, पास में ही होना चाहिए। बैटमैन मुझे मिल गया लेकिन थैनोस किधर है, हेलो थैनोस वेयर आर यू, ये वक्त नहीं है हाइड एंड सीक खेलने का, कहां गया थैनोस। चलो अच्छा ही है, हमारा विनर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब थैनोस नहीं है, वेट है थैनोस इधर पे छुप के बैठा है ड्रैगन के पीछे। बड़ी अजीब बैटल है ये, क्योंकि जिधर पे सारे लोग खड़े हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाले ये लोग, देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी कि क्या होने वाला है। अरे बाप रे, अरे ये क्या है, ड्रैगन का कचरा बन गया, ऑब्वियसली कौन जीतने वाला है तुम लोग को पता ही है। तो इधर देखो, ये तो भाई ऐसे लग रहा है कि कचरा फेंक रहा है थैनोस, और ये देखो ये जोकर लोग बंदूकें लाए है, जोकर भी खत्म हो गया, आसपास कोई और नहीं बचा है क्योंकि थैनोस ने सबको ढो डाला है। देख लिया थैनोस को, मिल गई शांति, मतलब मुझे भी थैनोस बहुत पसंद है, हर बैटल में थैनोस को जीतना कंफर्म है, थैनोस को कोई नहीं हरा सकता। तो अब मैं थैनोस को निकालने वाला हूँ इधर से, बाय बाय। अब मैं लाने वाला हूँ थैनोस की जगह पे किसको लाऊ, चलो स्पाइडरमैन को ला देते हैं, और ये मॉडर्न सोल्जर को हटा के मैं चार लिजार्ड को ला देता हूँ। कहाँ पे गया चार लिजार्ड, तो अभी होने वाली है बैटल चार लिजार्ड और स्पाइडर हम ये क्या है, स्पाइडर पता नहीं यार इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये भी आने वाला है आज की बैटल में, और ड्रैगन, वेनम, जोकर, नाजी जॉम्बी और बैटमैन, आयरन मैन, ये सब तो रहेंगे ही। तो अभी शुरू करते हैं बैटल को, ये देखो ये रहे हमारे योद्धा आयरन मैन, जोकर, और फिर ये रहा हमारा नाजी जॉम्बी, इधर पे वेनम एंड ड्रैगन, और उधर पीछे है हमारे खतरनाक वाले चार्लिजार्ड, जिसको ये गेम की लास्ट वीडियो में मैंने गॉडजिला बोला था, हाँ मतलब समझ सकते हो इसे गॉडजिला। ये साइड में है बैटमैन, तो देखते हैं कि कौन जीतेगा इनमें से। वैसे ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं कनेक्टेड जैसे, वेट इन लोग को थोड़ा दूर करने दो। तो अब ये लोग हो चुके हैं दूर, वर्सेस अब अच्छा लग रहा है देख के, तो अभी देखते हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा, लेट्स स्टार्ट द बैटल। ओ बाप रे, ये देखो बैटमैन आयरन मैन से लड़ रहा है, और इधर पे अपना सस्ता गॉडजिला लड़ रहा है बैटमैन से, उस साइड पे ड्रैगन्स, वाओ ड्रैगन्स वेनम से लड़ रहे हैं, वाओ यार ये सब लोग डिवाइड हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन जीतने वाला है, इधर पे लाशों का अंबार लग चुका है, मुझे नहीं पता कि कौन जीतने वाला है आज की बैटल, मुझे लगता है कि इनमें से चार लिजार्ड जीतेगा, क्योंकि इसमें गॉडजिला का खून दौड़ता है। ओके बस हो गया, ड्रैगन्स भी जीत सकते हैं, और कौन बचा है, अच्छा ये तो वेनम भी बचा है ना, वेनम्स भी जीत सकते हैं, पर पता नहीं है यार कि कौन जीतने वाला है, जोकर का तो अलग ही है, देखो दो लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, एक तो चार्लिजार्ड और वेनम, वैसे मुझे लग रहा है कि चार्लिजार्ड ही जीतने वाला है, वेनम इन लोग के पास जाते हुए ये चार्लिजार्ड के, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा, चार्लिजार्ड फिर भी जीतेगा क्योंकि लास्ट एपिसोड में वो जीत चुका है, चार्लिजार्ड इतने कूदने फादने की जरूरत नहीं है, ये कैसे कूद रही है, देखो ये ड्रैगन तो पहली बार ड्रैगन जैसे लग ही नहीं रहे, इन लोग के बॉडी पे बहुत सारी चीजें मिसिंग है, जैसे कि उनका विंग जिससे वो उड़ते हैं वो मिसिंग है, रेडबुल मत पी लेना तुम लोग। ड्रैगन वर्सेस चार्लिजार्ड, देखते हैं कि कौन जीतेगा, वक्त आ चुका है जब हम लोग को देखने मिलेगा विजेता, ये वीडियो का पहला विजेता, क्योंकि थैनोस को तो भाई सब लोग ही विनर मानते हैं। चार्लिजार्ड जीत चुका है, नाइस वन है चार्लिजार्ड। वैसे मैं एक चीज सोचा था, जो बैटल अभी हम लोग ने की उसके अंदर ये तो था ही नहीं, ये स्पाइडर हम जो भी है इसका नाम, ये तो था ही नहीं, चलता है। मैं सोच रहा था कि अगर साइरन हेड भी होता तो मजा आ जाती,
एक बार सर्च करके देखने दो, साइरन हेड है क्या? है क्या? साइरन हेड नहीं है। मुझे लग रहा था अगर होता तो भाई बहुत मजा आती, लेकिन नहीं है। देखो पहली बार बलि का बकरा बना था चार्लिज़ार्ड, आज किसको बलि का बकरा बनाया जाए, मैं मतलब साइरन हेड बनाया जाए। कोई बकरा बनाने के लिए है ही नहीं आज के दिन, क्योंकि साइरन हेड जैसा कोई दिखता ही नहीं है। चलो यार कंटिन्यू करते हैं हमारी बैटल। इस बार मैं बुलाना चाहूंगा स्पाइडरमैन को, एंड में उसके साथ बुलाना चाहता हूँ थैनोस को। कहाँ पे गया थैनोस? ये रहा। अब एक और चीज जो कि है हल्क, इन तीनों के बीच में बैटल होने वाली है, बहुत बहुत तगड़ी। 250-250 रखता हूँ तीनों को, फिर देखते हैं कि कौन जीतेगा। मैप भी चेंज कर देता हूँ, कौन सा मैप रखूँ, फ्लैट वाला रखता हूँ। आज होने वाली है बैटल बहुत तगड़ी। एक तरफ है हल्क और दूसरी तरफ है थैनोस। थैनोस के साथ ही है स्पाइडरमैन, आई थिंक सो उसके साथ है, वरना तीनों की बैटल होगी तो बहुत ही मजा आ जाएगा। मेरे ख्याल से तीनों अलग अलग है, कोई भी किसी की टीम में नहीं है। लेट्स सी कि क्या होने वाला है ये बैटल के अंदर, देखते हैं। और ये देखो भाई, स्पाइडरमैन तो गया काम से, मुझे पता ही है स्पाइडरमैन तो गया काम से इतनी जल्दी। थैनोस भाई कुछ ज्यादा ही जल्दी मार रहा है। ए ए ये क्या है? ए नहीं, हल्क जीतो, थैनोस को पकड़ के धो, ये लोग तो दूर जाके गिर रहे हैं। थैनोस जीत चुका है, पता नहीं क्यों थैनोस ही जीतता है हर बार। अब वक्त आ चुका है पावरफुल लोगों को भगाने का, और आयरन मैन और स्पाइडरमैन को लड़ने देते हैं, देखते हैं कौन जीतता है इन दोनों में से। गुरु और चेले के बीच में मैंने कभी भी वॉर होते हुए नहीं देखी है, लाइक आयरन मैन गुरु है और ये चेला है स्पाइडरमैन। देखते हैं दोनों में से कौन जीतने वाला है। वैसे मुझे दिख रहा है कि आयरन मैन जीतेगा, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि कौन जीतेगा, क्या लगता है। लेट्स स्टार्ट बैटल। इस तरफ हमारे स्पाइडरमैन आते हुए, और ये घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। स्पाइडरमैन और आयरन मैन दोनों ही बहुत खतरनाक लग रहे हैं मुझे। स्पाइडरमैन जीत गया। वेट, सच्ची में स्पाइडरमैन जीत गया? सच्ची में यार, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आयरन मैन से स्पाइडरमैन जीत सकता है अल्टीमेट एपिक बैटल सिमुलेटर में। मस्त बात है। तो अभी मैं लाने वाला हूँ दो और खतरनाक लोगों को, जो कि है पहला तो जोकर और दूसरा बैटमैन। ये चारों लोग जब आमने सामने लड़ेंगे तो क्या मजा आ जाएगा। लेकिन ये जोकर है कहाँ पे? ये रहा, मिला मिला मिला। अब बैटमैन को भी ढूंढ लेते हैं, बैटमैन मिल गया। अब देखते हैं कि क्या होता है इन चारों की बैटल में। ये रहे हमारे स्पाइडरमैन, आयरन मैन और वो रहा हमारा बैटमैन, और इस तरफ है जोकर। मेरे ख्याल से सबको दिख चुका है कि कौन जीतने वाला है। स्पाइडरमैन पहले जीता था तो यही जीतेगा, आई थिंक सो। देखते हैं कि कौन जीतेगा। लेट्स स्टार्ट द बैटल। गोलियों से मार रहा है ये जोकर और आयरन मैन। वेट, आयरन मैन हेलो ब्रो। यार आयरन मैन इतना जल्दी चला गया। लेट्स सी अभी कौन जीतेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जोकर कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है। बैटमैन भी कम नहीं है, लेकिन उसका सामना हो चुका है स्पाइडरमैन से। इसके लिए बैटमैन बच नहीं सकता, हु नोस क्या पता बच भी जाए। जोकर लोग तो गोलियां ऐसे मार रहे हैं जैसे इन लोगों को होलसेल में मिलती है गोलियां गन की। बैटमैन की बात लग चुकी है, लेकिन तो भी मुझे लगता है कि बैटमैन जीतेगा। वैसे दिल से बताओ तो नहीं लगता, बट फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, मतलब ट्राई कर रहा है बैटमैन, ये बहुत अच्छी बात है, ट्राई करते रहना चाहिए। अरे यार स्पाइडरमैन थोड़े से उधर भी चले जाओ। और ये हाँ भाई, क्या सदमे में इधर बैटल चल रही है, वो सदमे में है यार। ये तो चीटिंग हो गई यार, इसके पास गन आ चुकी है जोकर के पास, और ये गोली से उड़ा देगा सबको। ओ बाप रे, स्पाइडरमैन खत्म। अब जा रहे हैं बैटमैन जोकर के पास, जोकर को फोड़ने। जोकर लोग कितनी गोलियां चला रहे हैं। अरे गन मिल गई, ये गोलियां तो भाई इन लोग को गोलियां ऐसे अनलिमिटेड मिल रही है जैसे उन लोग ने कोई मोड यूज किया है, खत्म ही नहीं हो रही है किसी की भी बंदूक की गोलियां। लेट्स सी, मेरे ख्याल से तो भाई जोकर ही जीतेगा। जोकर जीत चुका है, बहुत खुश हो रहा होगा ना जोकर। बैटल का विनर हो चुका है जोकर। फिर गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।